अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वी आर लाइव। आई थिंक यस, हम लाइव हैं और हम वी आर ऑन टाइम। ऑलमोस्ट 8:45 से 2-3 मिनट ऊपर हुए हैं। और अगर कोई जब ऑडियंस आने शुरू हो जाती है तो मैं अपने गेस्ट को ऑनलाइन ले लेते हैं। गेस्ट हमारे आज इस आगा आगा अरसलान। आगा अपना इंट्रो खुद देंगे। वैसे बाय द वे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रो दे दूँ आगा का। आगा फ्रेंड के साथ साथ हमारे पार्टनर है न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन में पार्टनर है इसके। आगा बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। उसकी इनकी अपनी डिग्री एमबीए लाइक इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ही हैज बीन वर्किंग विद एन एमएनसी फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स आई गेस। और क्रिकेट, एक्स क्रिकेटर भी आगा। और हमारा जो प्रोग्राम है स्पेशली जो कॉर्पोरेट वेलनेस का, वो हमने आगा के साथ मिलकर डिजाइन किया। आगा से मेरी दोस्ती हुई थी मतलब लाइक इन 2013 आई थिंक। हम लोग CSS पेपर में अपेयर हुए थे और वहां से हमारी दोस्ती हुई। और बहुत सारी डिस्कशन होती रहती हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं। देन अगेन आई विल से कि हम लोग जो न्यूट्रिशन की चीजें, बहुत से आइडिया, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा, स्पेशली कॉर्पोरेट वेलनेस का जो प्रोग्राम है हमने बनाया था, और उसी पे हमारे टॉपिक पे बात होगी कि एम्प्लॉय फिटनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिट एम्प्लॉयज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितना जरूरी है कि एम्प्लॉय की वेलबींग, फिटनेस एक्सेट्रा पे काम करना, एफर्ट करना, उस पर स्पेंड करना। तो आई डोंट नो कि अगर कोई है तो क्वेश्चंस मुझे अगर आ जाए या कोई हाई आ जाए तो मैं इसको फिर आगा को ऑन बोर्ड लूं। आई डोंट नो आई कैन सी। और बाय द वे आयास इज विद अस, आज हम दोनों प्रोग्राम करेंगे साथ। तो आई एम श्योर कि बहुत मजा आने वाला है। आगा चिल सीन बहुत ज्यादा है। आप लोगों के क्वेश्चंस जितने होंगे, आगा अस्सलाम वालेकुम सलाम एवरीवन। कैसे हो यार? आई डिडंट नो कि मैं लाइव हूँ। अच्छा नहीं, यू आर नाउ लाइव। मैं आई एम नॉट श्योर, मैं देख नहीं पा रहा कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं हमें अपने हमारे ग्रुप पे। ओके मैं थोड़ा सा श्योर हो जाऊं तो देन श्योर इसको हम प्लीज। करते हैं। सही है। जस्ट अ सेकंड। आई वाज जस्ट टेलिंग द ऑडियंस के हमारी दोस्ती हुई थी हम लोग दो हजार जब तेरह सीएसएस में पेपर आई में बिलीव अपेयर हुए सर, थे। हाँ, सीएसएस 2012 पेपर में तेरह अपेयर हुए हाँ थे। तो जी बिल्कुल। लाइक कितने साल हो गए? इट्स बीन लाइक 6-7 ईयर्स और लाइक ऐसी कुछ। इट्स बीन लाइक हाँ 7 ईयर्स और ये वक्त जो है वो ऐसे गुजरा है कि मालूम ही नहीं लगा डेफिनेटली। और ऐसा लग रहा है कि कल परसों की बात है या चलो एक दो महीने की बात है। इट्स बीन लाइक 7 ईयर्स। और अच्छा सबसे बेस्ट बात ये रही कि दोस्ती के साथ साथ हम लोगों ने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन में अगर आपने दे दिया है तो फाइन, अगर वी शुड गो। हाँ, इंट्रोडक्शन में तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। आयाज फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, ऑडियंस आ गई है, मुझे दिख नहीं रहा है कि ऑडियंस कितनी है। ओके अगर मैं हम श्योर हो जाते हैं कि वहाँ पे व्यूअर्स आ गए हैं तो देन प्लीज। उसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। मेरे ख्याल से जरूर आ गए होंगे, मुझे शायद शो नहीं हो रहा है और मेरा अपना नेट जो है वो डाउन हो चुका है, लैपटॉप के थ्रू मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एनीवे आयास, इफ यू कैन हियर अस प्लीज बता दो यार कि क्या सीन है, लोग आ गए हैं नहीं आ गए, तब हम फॉर्मली स्टार्ट करें। हाँ आई थिंक नमाज का टाइम तो नहीं है, लोग शायद नमाज वगैरह पे भी होंगे बिजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी ऐसा हो कि बहुत सी ऑडियंस आ जाती है इस टाइम, लाइक देयर दे नो कि 8:30 ऑनवर्ड्स हम लोग होते हैं, तो हम लोग टाइम बताते हैं तो ऑडियंस के पास क्लिक कर जाती है, क्लिक कर जाती है। अच्छा हाँ ठीक है आया, ठीक है आया। 10 मेरे ख्याल से हो, मेरे ख्याल से हो गया होगा प्रोग्राम की व्यूअरशिप स्टार्ट, प्रोग्राम लेट्स सी। की व्यूअरशिप स्टार्ट। मुदस्सिर हमारे साथ इस वक्त ऑलमोस्ट आगा 18 पीपल आजकल लाइव ऑफिस है। ऑन है आई थिंक ऑफ दे है, मस्ट बी क्या सीन शेयरिंग। है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? सॉरी सॉरी ठीक है आयास सेट के मेरे ख्याल से लोग दे आर लाइव। दे आर लाइव। आगा अप टू यू, ऑन ठीक यू नाउ। आप मेरे ख्याल ठीक से इंट्रो स्टार्ट कर दो। ओके
मेरे ख्याल से ओके मेरे ख्याल मैंने से इंट्रोडक्शन मुदक्षण तो बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे तो दिया था. बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे डेफिनेटली दिया था. वी हैव बीन डेफिनेटली फ्रेंड्स वी फॉर हैव सेवन बीन इयर्स फ्रेंड एंड फॉर वी हैव सेवन वर्क इयर्स ऑन एंड प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट. इसके अलावा मेरा करियर मेरा अभी करियर जो 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था जिसमें ट्रेनिंग फर्म के जिसमें साथ मेरा ट्रेनिंग करियर फर्म के स्टार्ट साथ हुआ मेरा था. सो आई करियर वर्क स्टार्ट विद हुआ था. देम सो फॉर आई वर्क सिक्स विद इयर्स देम फॉर 6 इयर्स एंड स्पेशलाइजेशन मेरी स्पेशलाइजेशन मेरी मास्टर्स इन ह्यूमर मास्टर्स रिसोर्स इन है. ह्यूमन रिसोर्स है. एंड अपार्ट फ्रॉम एंड दैट अपार्ट रेलेवेंट फ्रॉम दैट रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशंस एंड हैं. सर्टिफिकेशंस है. और इट्स बीन और ऑनर इट्स बीन टू बी ऑनर विथ यू गाइस टू बी हियर. विथ यू गाइस हियर. एंड एंड डेफिनेटली मैं अभी डेफिनेटली अगर आप मैं गो अभी अहेड अगर देंगे आप तो फिर मैं गो आप अहेड लोगों को देंगे तो बताऊंगा फिर कि मैं आप मैं लोगों कौन को से बताऊंगा टॉपिक्स कि पे मैं बात कौन से करूंगा टॉपिक्स पे बात करूंगा. और और डेफिनेटली भी आई बी डेफिनेटली वेरी आई बी प्रिसाइज वेरी एंड ब्रीफ. प्रिसाइज एंड ब्रीफ. ओए ओए हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. आप यस मुदस्सिर. हेलो हेलो. इसको कंटिन्यू कराओ, क्वेश्चन कंटिन्यू रोल करो, रहो, क्वेश्चन रोल मैं रहो. जरा रुक मैं रहे. जरा रुक अच्छा, मैं देख रहा हूँ जरा कि किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है. काफी सारे लोग हैं हमारे पास, मैसेजेस काफी सारे आ रहे हैं. अच्छा, रिजवान की सजेशन है कि काइंडली स्पीकर दूर रखें. रिजवान, हमारे पास किसी के पास भी स्पीकर नहीं रखे, मैं सबने हैंड फ्री लगाए हुए हैं. तो इट्स एक्चुअली टेक्निकल एरर एंड वी हैव टू गो ऑन विद इट. हमारे पास उसके अलावा कोई और सोल्यूशन है नहीं. समवन स्पीकर इज ऑन, क्या ऐसा है गाइस? बेसिकली वही और बेसिकली आवाज जो वही है रिपीट हो रही आवाज है, जो है रिपीट हो जैसे रही वो है. नहीं, किसी का स्पीकर ऑन है? नहीं, नहीं, किसी का स्पीकर ऑन नहीं गाइस. थोड़ा सा इको आएगा और उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास फिलहाल नहीं है. इट हैज बीन हैपनिंग सिंस बिगिनिंग. आज कुछ हमें नए लोगों ने ज्वाइन किया है. आगाज काफी नजर आ रहे हैं. आगाज शायद आपके रेफरेंस से आपकी मोहब्बत में आए सारे के सारे. हाँ हैदर हैदर अली सोमरो डेफिनेटली. हैं, अल्ताफ बलदी हैं, ओके ओके. हेलो और एवरीवन. हेलो हेलो अल्ताफ, एवरीवन. हाउ आर हेलो यू? अल्ताफ, हाउ आर यू? काफी टाइम के बाद तुम काफी दिखे टाइम के हो. बाद तुम देखे हो. एक्चुअली एक्चुअली अल्ताफ अल्ताफ वो मेरा नहीं है. स्पीकर ऑन नहीं है. और जो और है थैंक यू मुदस्सिर फॉर आपके टेलिंग पास अस. में आयास आयास इंटरनेट तुम कंटिन्यू कनेक्शन करो, है. मुझे कंटिन्यू करो, मुझे ठीक है. मैंने मुदस्सिर को फॉर द मीन वाइल डिस्कनेक्ट कर दिया. आगा आगाज करते हैं अपनी अपनी कॉन्वर्सेशन का. सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है आज. पूछो क्या कंफ्यूजन होगी. एग्जैक्टली यही के ये बंदा क्या कर रहे हैं यहाँ पे. मेरे पास दो मैसेजेस भी आए थे कि ये तो ह्यूमन रिसोर्स का बंदा है और इसका फिटनेस राइट. से क्या ताल्लुक. अच्छा, मैं लोगों को एक बात ओके बताना चाहूंगा, बाकी फिर उसके बाद आप खुद जी. डिस्क्रिप्शन दीजिएगा इन चीज के बारे में. कि हमने शुरू में भी जब फिटनेस को डिफाइन किया था तो बताया था, लेकिन फिटनेस इज नॉट जस्ट समथिंग फिजिकल. इवन काशिफ ने एब्सोल्युटली. बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी कि तीन चीजें मेन आती हैं इसमें. एक हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस एंड सोशल वेलबींग, ये तीन चीजें आती हैं. तो इस तरह से फिटनेस इज एक्चुअली ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. हम उसे ये नहीं कह सकते कि वेट लॉस है या वेट गेन वाली चीज होती है. तो ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो उनका लिंक यूं बनता है कि देखें, आप लाइफस्टाइल है ना ये फिटनेस. तो लाइफस्टाइल मींस के इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. कल जब हम लोग अक्सा के साथ थे तो हम लोगों ने घरेलू खवातीन की बात की थी, उनके मसाइल क्या थे. एंड डेफिनेटली जो हमारे साथ आज लोगों ने ज्वाइन किया होगा ह्यूमन रिसोर्स देख के, तो कुछ लोग समझ गए होंगे इस बात को कि आज हम लोग एम्प्लॉयज की वेलनेस की बात करेंगे, कॉर्पोरेट वेलनेस की बात करेंगे कि वहां पे क्या क्या इश्यूज आते हैं लोगों को, जिसमें आगा जो है उस पर रोशनी डालेंगे आज. ये क्या क्या मसाइल हैं, हम सोल्यूशन बताएंगे. बहुत सारे सोल्यूशन आगा खुद बताएंगे क्योंकि ये ज्यादा बेहतर समझते हैं चीजों को, वहां पे होते हैं. आगा बताइएगा क्या प्रॉब्लम्स हैं फिटनेस के हवाले से और कौन कौन सी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही होती हैं. आप जहाँ काम करते हैं वहां का क्या हाल है? सबसे पहले तो सबसे आप दोनों पहले को, तो आप मुदस्सिर दोनों और को, रयाज मुदस्सिर को, और रयाज को कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों कॉन्ग्रेचुलेशंस ने कि आप लोगों काफी ने मेहनत, काफी अंथक मेहनत मेहनत के अंथक बाद, मेहनत के बाद. कि मैं थैंक यू. रोजाना कि की मैं बेसिस पे रोजाना आप लोगों आपकी के बेसिस पे सेशंस आप देखता लोगों हूँ के और सेशंस लाइव देखता हूँ और एक्सपर्ट लाइव एक्सपर्ट बैठे होते हैं यहाँ बैठे पे, होते जो हैं यहाँ काफी पे, डेप्थ जो नॉलेज काफी होती डेप्थ है. नॉलेज होती है. आई एम डेफिनेटली नॉट आई एम स्पेशलाइज्ड ऑन द नॉट फिटनेस, स्पेशलाइज्ड बट ऑन द डेफिनेटली फिटनेस आई बट कवर सम डेफिनेटली आई पॉइंट्स कवर सम जो पॉइंट्स कि जो कि एम्प्लॉयज वेलबींग और वेल उसकी बीइंग फिटनेस और और उसकी उसकी फिटनेस और उसका रोल उसका और रोल उसकी और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पे क्या राइट? होता है, राइट? जैसे कि आपने एक जैसे कि बेसिक सा आपने एक इंट्रोडक्शन दे बेसिक दिया था
कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट, अगर आप क्योंकि क्योंकि आपका मैं पूरा दिन जो है ना एम्प्लॉयमेंट 8 से 10 घंटे आपके अगर ऑफिस में क्योंकि गुजरते आपका हैं, पूरा राइट? दिन जो है ना आठ से दस तो घंटे आपके ऑफिस इसका में मतलब गुजरते है जो हैं, आपकी राइट? क्रिटिकल आवर्स तो आपके दिन इसका के मतलब है जो वो आपकी तो ऑफिस क्रिटिकल में गुजर आवर्स जाते हैं, हैं आपके दिन के, राइट? वो तो ऑफिस फिर आप में घर गुजरते आते हैं, हो और दो चार घंटे राइट? फैमिली के फिर आप साथ घर आते एंड हो और देन दो यू चार घंटे फैमिली के राइट साथ एंड एंड द देन नेक्स्ट डे द सेम रूटीन गोज द ऑन. नेक्स्ट डे द सेम रूटीन गोज ऑन. ओके, ओके, मेरा जो ठीक है. रीजन यहाँ पे तो लाइव मेरा जो सेशन का रीजन है वो यहाँ पे यही है लाइव सेशन का है वो यही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज इन बताना, ऑर्गेनाइजेशन को राइट? बताना, और फैक्टर्स राइट? बताना कि और क्या फैक्टर्स हेल्थ इश्यूज बताना होते कि हैं क्या एट हेल्थ वर्क, इश्यूज होते हैं एट राइट? वर्क, उसके राइट? रीजंस उसके बताऊंगा, रीजंस उसके बताऊंगा, आउटकम उसके बताऊंगा आउटकम एंड बताऊंगा देन एंड आई विल कवर अप सम आई विल पॉइंट्स कवर जो अप सम रेमेडीज पॉइंट्स या या रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस को या उसको किस तरीके रिकमेंडेशंस से को कंट्रोल उसको किस करनी तरीके से चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, राइट? सबसे पहले तो मेरी सबसे गुजारिश है पहले आप तो मेरी लोगों से गुजारिश है आप कि लोगों से इस कि पॉइंट पे चीजें पॉइंट पे ऐड अप करना चीजें चाहें आप ऐड अप लोग करना चाहें आप आपके ऑडियंस एंड एज वेल एज यू बोथ ऑफ एंड यू, एज वेल एज यू बोथ ऑफ और यू किसी का और ओपिनियन किसी का या किसी का ओपिनियन ओपिनियन या डिफेंड किसी और का अगेंस्ट ओपिनियन में डिफेंड जो और आता अगेंस्ट में है जो इट्स योर आता है, राइट गाइस, इट्स योर राइट तो गाइस, जस्ट तो जस्ट जस्ट राइट राइट. ओके सो अच्छा, लेट मी सी द कमेंट्स कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन वगैरह आया है तो. अच्छा, मुझे मुस्तकिल सजेशन आ रही कि आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए. अच्छा, लेट मी ट्राई दैट थिंग, अगर ऐसा करने से फायदा होता है तो. जी हाँ, कंटिन्यू कीजिएगा आप. मैं इन द मीन वाइल माइक म्यूट कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलूंगा माइक अनम्यूट कर दूंगा. राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड के एम्प्लॉयज की इम्पोर्टेंस क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देखें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जैसे एक मशीनरी, राइट? फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज लाइक अ मशीनरी. अगर किसी भी एक पार्ट में, मशीनरी के एक पार्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो योर होल मशीन फॉल्स अपार्ट, ठीक है? तो मैं इस पर्सपेक्टिव को कवर करूंगा कि एज ए एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ के इश्यूज क्या आते हैं और इसकी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट पे. देखें, दो चीज़ें हमेशा याद रहें कि तो दो फैक्ट्स हैं जो बेसिकली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑन इंटरनेट, एक रिसर्च थी मेरे बेस पे, तो उस पर मैंने एक देखा कि अगर आप किसी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वे कराना चाहें, अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द के जो आपके कलीग्स हैं, ठीक है, उसमें एक सर्वे करना चाहें एक सेटिस्फेक्शन का, जॉब सेटिस्फेक्शन का, तो उसमें आई एम डैम श्योर कि उसमें से 70% लोग वुड से कि नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर माई वर्क, राइट? उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा कि द रीज़न इज द स्ट्रेस. ओके, अब एक और पॉइंट है जो दूसरा फैक्ट है, वो ये है कि अगर आप सुसाइडल रेशियो देखें ना पाकिस्तान में, आई एम जस्ट स्टिक विद द पाकिस्तान, राइट? तो 90% दोज पीपल हु कमिट सुसाइड हैव बिन फेसिंग हैव बिन बैटलिंग फॉर द मेंटल इलनेस. ये एक पॉइंट है, फैक्टर है. और द स्ट्रेस जिसके जिसके जो रीजंस होते हैं वो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे एक सुसाइड ही होता है, राइट? अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अब इससे इसका क्या ताल्लुक कि आप एम्प्लॉय हैं और आपके स्ट्रेस है और आप सुसाइड करते हैं. देखो, मैं आपको शुरू में ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि आप लोग क्रिटिकल आवर्स आपके दिन में आपके ऑफिस में गुजरते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जैसे मेंटेन होती है दैट दैट गोज दैट कम्स फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी वेल बींग है, आपकी काफ़ी एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो आपकी पर्सनैलिटी भी उस तरीके से उभर के आती है, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन उनका असर आपकी पर्सनैलिटी पे 100% पड़ता है, राइट? अगर आपके आपका वर्क, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी इन्वायरमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, तो डेफिनेटली आप भी उसी बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और के एक और मैं हेल्थ इश्यूज को मैं जो है वो कवर करूंगा कि रिमेंबर देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट आई विल बी कवरिंग, विच इज द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट? तो बोथ सेक्टर्स में एक डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आते हैं, राइट? बैकग्राउंड थोड़ा सा दे रहा हूँ जैसे आप लोगों के लिए आगे का लेक्चर जो आगे का डिस्कशन जो है वो आसान रहे. सबसे सबसे जो मेन इशू आता है लोगों के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए वो आता है एनजाइटी का, एनजाइटी एंड डिप्रेशन, राइट? जो मेन कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो जो कि एक दिखने में तो वो एक टाई शाई कोट शोट होता है, लेकिन उसके अंदर की बातें कुछ और होती हैं, राइट? अगर आप, मेरे ख्याल से आप लोग 80% लोग वैसे लोग होते होंगे जो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर से जिनका ताल्लुक होगा, तो
इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेफिनेटली होंगे, फिर उनके अलग से एक हैजर्ड्स और इश्यूज हैं जो आपके फिजिकल स्ट्रेस पे होते हैं. तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज द मेन इशू दैट द कॉर्पोरेट सेक्टर फील्स और फेस. और दूसरा होता है आपका मेंटल स्ट्रेस, ये एक थर्ड इशू है. चौथा जो इशू होता है वहाँ पे जॉइंट पेन का इशू होता है, राइट. वेट गेन और लॉस का एक बहुत बड़ा इशू है. अक्सर लोग कहते हैं कि यार बैठ के काम करने से ना बहुत बंदे मोटे हो जाते हैं. इट्स नॉट फैक्ट. देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो काम के लोड में आप बहुत ज़्यादा खाते हो या तो आप नहीं खाते. तो बैलेंस ऑफ द डाइट इज ऑल्सो द मैंडेटरी, राइट. अच्छा, वेट गेन हम फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे या किसी की क्यूरी आएगी तो हम उस पर जवाब दे सकते हैं. टायर्डनेस, हर वक्त जो है वो आप थके हुए, आपका इंप्रेशन ऐसे जा रहा है कि यू आर कम्प्लीटली टायर्ड. सर का दर्द हद से ज़्यादा, क्यों? बिकॉज यू हैव बिन स्पेंडिंग 8-10 hours इन अ डे इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, और आपका एक यू नो फोकस रहता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसकी वजह से आपके आंखों के थ्रू आपके सर का दर्द के जो है वो बढ़ जाता है. दूसरा होता है टेंशन नेक सिंड्रोम, TNS इसको हम हमारी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इफ़ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप या आपके फ़ोन के होते हैं तो आपका अक्सर जो गेस्चर होता है, बॉडी गेस्चर जो होता है, वो आपका बिल्कुल झुका हुआ होता है आपके लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जो कि आपके नेक पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है. दैट्स अनदर बिग इशू. ये तो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर का एक इशूज हो गए जो अक्सर जो है वो लोग फेस करते हैं. अंड अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाए ना, उधर तो एक अजीब किस्म के मसाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ हीट. वहाँ पे मशीनरी आपको पता होगा, राइट. उसका शोर शराबा, ठीक है, उसकी मट्टी, राइट, और हैजार्डस केमिकल्स. लोग उसमें मजदूर या आपके तो मैनेजर लेवल के लोग उस केमिकल्स में जो है वो केमिकल्स की इंडस्ट्रीज या उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको दे हैव टू फेस, दे हैव टू स्मेल, या उनको वो सांस लेने वक्त उनकी वो प्रॉब्लम्स एक बढ़ जाती है. इस्थमा द मेन इशू इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. और अनसेफ मशीन्स अगेन, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एज वेल. तो ये दो बेसिकली मैंने इनको कैटेगराइज किया है, जैसे लोगों के माइंड में बन जाता है कि कौन से सेक्टर में ज़्यादातर कौन से इश्यूज आते हैं, राइट. तो डेफिनेटली हेयर सिंस आई एम बीन वर्किंग फॉर द सर्विस सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनके रीजंस और फैक्टर्स भी बताऊँ, उसके ओवरकम करने के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मुझसे हो सकें तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा. अच्छा, तीन ऐसी चीज़ें हैं अयास, इफ यू विद मी, तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि कॉमन है फॉर बोथ सेक्टर्स, इन बोथ सेक्टर्स, राइट. द फर्स्ट थिंग विच यू माइट एग्री विद हिम, हाई ब्लड प्रेशर, द फर्स्ट थिंग, राइट. हाई ब्लड शुगर, राइट. हाई कोलेस्ट्रॉल. ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके आपके बॉडी पार्ट्स को ख़त्म कर देती हैं, राइट. तो बीइंग एन एचआर मैनेजर, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे एम्प्लॉयज क्या इन चीज़ों से गुजर रहे हैं या नहीं, राइट. तो मुझे क्या उनको रेमेडीज क्या बतानी चाहिए, ट्रिक्स क्या बतानी चाहिए कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है. अच्छा, इसको बेसिकली हम लोग एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि दीज आर द अनहेल्दी बिहेवियर्स, राइट. कौन से होते हैं अनहेल्दी बिहेवियर्स, जैसे कि द फर्स्ट थिंग, इफ आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट, सो गाइज यू कैन स्टॉप मी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू एवरीवन. अगर कोई क्यूरी है, अगर कोई कुछ बीच में रोकना चाहे तो डेफिनेटली आई विल स्टॉप एंड गिव द आंसर ऑफ योर क्यूरी. अच्छा आगा, मेरे पास यू कंटिन्यू, आगा उमर के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, हाँ, क्योंकि he has been so eager to get his answer. हालांकि हमने बताया था हम answers बिल्कुल लेंगे, but मैं question ले लेता हूँ. मेरे question है आगा, ये बस पहुंचे मेरी, ये मोहब्बत है लोगों की हमारी. अच्छा, लेट मी रीड द क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन में आगा, अच्छा गुड यार, ऑडियंस को भी मजा आता, क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे आयास की क्वेश्चन ले लो, आयास की क्वेश्चन ले लो. हां, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं. अच्छा, पहला क्वेश्चन मैं आंसर नहीं चाहूंगा इसका लेना, लेकिन मैं इनको बता दूं वरना वो नेग्लेक्टेड फील करेंगे. वो कह रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जो पेंडेमिक चल रहा है अभी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसमें हमें जो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? वी कैन गिव अ जनरल आंसर, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अलग प्रोग्राम मैनेज किया है, इंशाल्लाह आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें आपको जो इसी से रिलेटेड एक्सपर्ट है वो बता पाएंगे. आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज, जिस तरह अभी आगा ने खुद बताया कि इंडस्ट्रीज में
एम्प्लॉयर्स के साथ और बाकी जगहों पे जो होते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जो इश्यूज आ रहे होते हैं काइंडली उसके बारे में बात क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछेगा। अच्छा मेरे पास आया है क्वेश्चन, नॉट ऑल ऑफ अस आर हेयर फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, सम आर सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में मतलब उनको कोई अगर मशवरा देना चाहे तो आप दे सकते हैं। देखिए सोल प्रोप्राइटर्स बोला है बिलीव के एम्प्लॉइज रेशियो इतने ज्यादा नहीं, इतने ज्यादा नहीं, 5 से 10 लोग होते होंगे या अगर सोल प्रोप्राइटर्स बिलीव हो 4 से 5 लोग होते होंगे। देखिए सोल प्रोप्राइटर्स को हम कहते हैं एक अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो सेक्टर जो कि ज्यादातर हाईलाइट नहीं होता जैसे कि कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल और आपके अदर सेक्टर्स होते हैं। द रीजन बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज्यादा हाई नहीं रहता। अच्छा मैं इनको जो टिप देना चाहूंगा डेफिनेटली जो मैं अभी पॉइंट्स जो कवर करने वाला हूँ तो आई होप कि ये अगर थोड़ा सा वेट कर लें 5 मिनट, आई डोंट नो कि वो किस तरह की टिप देना चाह रहे हैं क्योंकि मैं जो चीजें कवर करना चाहूंगा तो डेफिनेटली 70% to 80% लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा। तो अगर द गाय कैन होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स मोर। आंसर दे दीजिएगा आप। अच्छा उमैरुद्दीन सिद्दीकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ अ वर्कर डन हिज प्रोजेक्ट अर्लियर एज गिवन अ नोटिस टाइम पीरियड एंड ही टेक सम रेस्ट आफ्टर डूइंग हिज प्रोजेक्ट सो मैनेजमेंट नोटेड हिम एंड गिव्स देम अनदर टास्क, वो क्या करे अगर वो बीच में उसको टास्क नहीं देते हैं और वो उसको मतलब उसने टाइम से पहले पूरा कर लिया तो उसको बजाय इसके कि रेस्ट दिया जाए उसको टास्क दे दिया जाता अगला। ये बहुत बड़ा एक इशू है और ये दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोल जाता है सेठिया कल्चर, तो एक फारिक बंदा देखेंगे ना उनको ये नहीं सोचेंगे क्या इसने प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑन टाइम किया है या नहीं, वो कहेगा फारिक है बंदा इसको दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ा दो। The guy is very right. और ये होता है, in fact, you both are from the corporate sector as well, and you must have observed कि यहाँ पे जो हमारे senior supervisors या supervisors का जो mindset रहता है ना वो यही रहता है कि although the guy has shown his efficiency to complete the project on time, but still आप उस पर इतना pressurize कर दो कि वो जल्दी घर जाने की बात ही ना करें, right? तो ये एक चीज है हमारे corporate sector में है जो कि we cannot get rid of from right now, but inshallah aisa aisa awareness create ho jayegi aur logon ko jo hai wo ye pata chal jayega ki that's not a healthy activity for the employees aur ye that's not a best practice for the organization. Ye point definitely main aage chal ke cover karunga, that's a part of my the session as well. If any other question that you have or I should continue. Acha jab aap ye iska answer de to ek point bas main add karna chahunga, जैसे स्कूल्स में भी ये चीज देखने में आती है कि टीचर्स को अक्सर मतलब कोई काम नहीं होता बट दे कॉल देम फॉर नो रीजन बिकॉज दे से दैट वी आर गिविंग यू सैलरी। बिलीव मी आई हैव नोन मेनी टीचर्स, मैंने खुद काम किया है काफी जगहों पे, तो मैंने वही नोट किया है कि कोई काम नहीं है, नो वर्क एट ऑल, बट दे कॉल यू फॉर नो रीजन, यू जस्ट कीप सिटिंग ओवर देयर। आप चाहे सेल फोन यूज करें, चाहे आप अय्याशी करें, कुछ भी करें, बट यू हैव टू बी देयर। उसमें वो बहुत सारे और आई बिलीव कि अगर वो उस टाइम पे रेस्ट कर ले तो अगले दिन आके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी भी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उनको वहीं रोक के रखते हैं काम के लिए। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही था, तुमने स्कूल का बताया था, मैंने यही कहा था कि ये जो कल्चर है के ला के बस आपने बिठाना, लाइक एक माइंडसेट है कि लेबरर वाला कि आपने अपनी डेली का करना है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज करने वाला, ये किस तरह मेक श्योर कराएंगे, किस तरह इंस्टिल करेंगे माइंड में कि भाई प्रोडक्टिविटी मैटर्स, ये सिर्फ नहीं है कि आपने मजदूरी करवानी डेली बेस पे, ये सब पे एम्प्लॉय होता है इस बात पे। इस पे मुदस्सर यू नो व्हाट, अभी अगर शायद आपने कुछ टाइम पहले गूगल ने एक अपने कल्चर अपना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में थोड़ा सा एक बदलाव लाया था, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स, राइट? इसका मतलब है कि अगर आप इट डजंट मीन कि यू हैव टू बी इन ऑफिस एट 9 एंड लीव एट 5, इट डजंट मीन यू हैव अ प्रोजेक्ट, आपकी मर्जी आप 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चले जाओ, राइट? सो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स। तो एक डेफिनेटली डिफरेंट फार्मूलाज हैं इंडस्ट्रीज में अभी भी हैं, वर्किंग फ्रॉम होम का इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक फार्मूला था कि लोगों को इजाजत दी जाए कि दे कैन वर्क फ्रॉम होम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट पेंडेमिक यू नो डिजीज के, बट एक वर्किंग आवर्स वाज आल्सो द ऑप्शन दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द इंडस्ट्री
कि अगर लोगों को यार फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो घर जाके काम करें आराम से, सो वुड दैट बी इफेक्टिव और नॉट? बट एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल गई कि आई थिंक कि अगर आज सर्वे कराया जाए कि हु इज इन फेवर ऑफ द वर्किंग फ्रॉम होम, तो 30% 25-30% इन विल बी इन फेवर, अदरवाइज एवरीबॉडी वुड बी इन अगेंस्ट. तो सब बोलेंगे नहीं भाई द ऑफिस वर्किंग इज बेटर फ्रॉम ऑफिस. यस तो हाँ राइट. तो मैं बेसिकली बात ये कर रहा था अयास मुदस्सिर के डिफरेंट इश्यूज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में. तो मैं डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर को कवर करूंगा, जिसमें मैंने एक दो तीन पॉइंट्स शायद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो मैंने ये एक इश्यूज बताया जो अक्सर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के साथ होता है, वो ये एनजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इंटरेस्ट और स्ट्रेस, जॉइंट पेन हो गया, वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया, टायर्डनेस होगी, आपकी हेडेक हो गया एंड टेंशन दी नेक सिंड्रोम. रीजन उसके फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. देखें द फर्स्ट फैक्टर दैट यू गाइस वर सिटिंग दैट यू आर गाइस वर डिस्कसिंग अबाउट द लेट सिटिंग मेन रीजन. मैं हाथ जोड़ के लोगों को बोलता हूं भाई ओवर एफिशिएंसी मत दिखाओ, उससे कुछ नहीं मिलने वाला. अरे 5 बजे काम खत्म हो गया, 5 बजे काम खत्म हो गया, 3 घंटे क्यों बैठ रहे हो एक्स्ट्रा? मतलब what do you want to show to your management? कि क्या आपने काम बहुत ज्यादा काम करते हो? I understand there are certain projects. Sorry, I'm interrupting you. ये other way round भी होता है कुछ जगह का जो है ना, जैसे मैं जिस organization में काम करता हूँ मैं उसमें हमेशा like करता हूँ किसी को 5 बजे काम खत्म करना होता है. बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में लाइक किया जाता है तो लाइक उसमें यू आर लाइक द पर्सन इज कंपेल्ड टू हैव टू सिट बाय 8 or 9 AM. अब उस केस में क्या करें, वहां नहीं बैठेगा तो वहां उनको उसको बैकफायर कर जाती चीज. उस केस में क्या करें, एचआर अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर रहा था ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? देखिए मैं इस तरीके से इसको मैं जो मैं बात करना चाहूंगा इस पे अभी मैं इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट में यही था, आपने क्वेश्चन कर लिया कि लेट सिटिंग में सारे ना बैठो. मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि सारे ना बैठो, ख्वामखा ना बैठो. जिनको सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो डेली बेसिस पे कंप्लीट करने पड़ते हैं, दैट्स अ कंपजन, दैट्स अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन पर्सन, राइट? या एक फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट है जैसे फाइनेंस है, उनको क्लोजिंग करनी होती है डे पे, अब उनकी एक कंपल्शन, उनकी मजबूरी, उनको बैठना है एंड वी अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट? चाहे और इनफैक्ट और फिर उनको कॉम्पनसेट भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है. अगर लेट सेटिंग है तो चलो रात का डिनर प्रोवाइड कर दिया, चलो एक अलग तरीके से अलाउंसेस दे दिए. तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जितना कोशिश कर सकती है कि उन बंदे को सेटिस्फाई करे और डिफरेंट तरीके से उसको कॉम्पनसेट करे. बट इसके मैं उन लोगों के बेसिकली मैं उन लोगों को एक जो है वो एड्रेस कर रहा हूँ कि जो लोग खामोखा बैठते हैं ओवर एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि भाई हम वी आर वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स, बट दे डोंट नो कि उनका उनकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट होता है. यही चीज मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमने अपने कॉर्पोरेट जो प्रोग्राम करते हैं हम लोग ये कहते हैं लोगों को कि जब आपके पास नैप का टाइम होता है, अच्छा अक्सर जरूरी नहीं आपको दिया जाए टाइम, आपको मिल भी जाता है. व्हाट पीपल डू दे स्टार्ट यूजिंग देयर सेल फोन्स इन द मीन टाइम, कि आप ये यूज कर रहे हैं या आप चिट चैट में लग गए. अच्छा चिट चैट भी कौन सी हो रही होती है, दे आर यूजुअली टॉकिंग समथिंग नेगेटिव, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन की बात हो रही होती है, बात चल रही है ऑब्वियसली, तो वो उस टाइम पे नैप लें. देयर इज रिकमेंडेड आप भले 5 से 10 मिनट भी लेके देखें एंड जस्ट ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई, बिलीव मी ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल रिजुविनेट होके उठे हैं भी आप. एब्सोल्युटली अयाज, मैं एक चीज इस पे बात करना चाहूंगा कि देखें मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बैठा हूँ, मैं एज ए एम्प्लॉय भी बैठा हुआ हूँ और एज ए एम्प्लॉयर भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है? एक बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है ना, तो वो इस चीजों से गुजर चुका होता है. जो सीईओ बनता है, जो एक हायर मैनेजमेंट में चेयरमैन होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उस बंदे को पता होता है कि भाई क्या होता है असल में क्या चीजें होती हैं, तो दे नो एवरीथिंग, ठीक है? तो ये जो बेसिकली आई अप्रिशिएट कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं, एक नैप लिया जाए, बट अगेन एज यू सेड दैट के लोग इसको जाया कर देते हैं, दे डोंट रियली टेक इट एज एज अ यू नो
इसको सीरियसली नहीं लेते राइट और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो अगेन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई हैं. तो हम अपना चीज़ें कंटिन्यू करते हैं. तो द फर्स्ट थिंग वॉज द लेट सिटिंग. जैसे कि मैंने बोला कि अवॉइड लेट सिटिंग, अदरवाइज उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ख़राब हैं. अभी हमें हम नौजवान हैं सब, अभी हमें मालूम नहीं पड़ता. बट वंस यू यू नो क्रॉस योर 35, 36, 40 तक आ जाओ फिर उसको मालूम पड़ता है राइट. अच्छा दूसरी चीज़ है कि अच्छा फैक्टर है जी कुछ पूछना चाह रहे थे मुदस्सर नहीं कंटिन्यू करो मैं उसके बाद बोलूंगा. दूसरी चीज जो थी फैक्टर जो दूसरा था वो था ओवर एंड लेस ईटिंग इन स्ट्रेस. ठीक है तो नो बैलेंस डाइट. आप दोनों इस पे एग्री करेंगे तो यू गाइस आर एक्सपर्ट इन दिस एंड मुझे पता है आप लोगों ने इस वेलबींग पे बहुत सारी चीजें ये बताई भी होंगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे कि स्ट्रेस में लोग या तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या तो बहुत ज्यादा लेस ईटिंग कर लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं रखते. ठीक है आपके क्लीज होते हैं आपके पास आ गए यार ये लोग खा लो ये लोग बर्गर खा लो, रात को लेट सेटिंग हो रही है, खाना शाना हो रहा है, जंक फूड हो रहा है. या तो लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते स्ट्रेस में. तो ओवर एंड लेस ईटिंग की वजह से भी दैट्स ऑल्सो द फैक्टर कि जिसकी वजह से आपको ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई पहले से ही उन पे उसका भी एक इम्पैक्ट आता है. तीसरी जो चीज़ है मेन चीज़ है वो ये होती है कि जॉब प्रेशर एंड टारगेट अचीवमेंट राइट. ये एक अनदर फैक्टर है जो कि आपको एनजाइटी डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस में घसीटता है. और ये डेफिनेटली अब डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर जो या आपके सुपरवाइजर जो है वो इसको किस तरीके से टैकल करते हैं. ऑल्दो ही इज प्रेशराइजिंग यू कि आप इसको किस तरीके से टारगेट अचीव करो, इधर ही इज गिविंग यू सम रिलैक्सेशन या वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं नहीं आज है तो आप आज ही करो और जस्ट टेक योर लैपटॉप और घर से ही कर लो नो इशू. तो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन राइट. तीसरा होता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन. जो मैंने अयास जो मैंने शुरू में बात की थी अगर आप आज लोगों से पूछा जाए कि आप जॉब सेटिस्फाई हैं तो 70% लोग कहेंगे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ. देर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से वो उनका दिल नहीं लगता ऑफिस आने का राइट. तो उसको अगेन ही गोज इनटू द एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड फिर उनको जो है वो और चीज़ें शुरू हो जाती हैं. उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, सैलरी इशूज़ हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है उसकी जॉब में, जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है जो उसकी अपनी और एजुकेशन से मैच नहीं है, यू कैन से द अनफिट फॉर द जॉब राइट. एक और फैक्टर है जो आपको एंजाइटी स्ट्रेस और इस चीज़ों में लेके जाता है खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर, वो है हैरेसमेंट का. इस पर डिफरेंट लॉज भी बन चुके हैं पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर ये फीमेल हमारी सो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं स्टाफ है उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है. But that doesn't mean that that's a sexual harassment. I'm not covering that thing. Harassment could be anything. You're leg pulling anyone, right? किसी की leg pulling करना भी it's a harassment. ठीक है किसी को काम का pressure देना that's an harassment. ठीक है किसी को काम का pressure देके job security की बात करना कि तुम्हारी नौकरी निकलवा दूंगा मैं नौकरी से निकलवा दूंगा that's an harassment. तो इसकी वजह से वो employee जो है वो एक stress में चला जाता है, mental stress में चला जाता है जिसकी वजह से और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए होते हैं. अगेन द लास्ट थिंग वुड आई हैव नॉट द लीस्ट दिस इज द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन राइट. तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है, काला पीला नीला बंदा पठान सिंधी उर्दू पंजाबी ये चीज़ें आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा होती हैं राइट. ये रिश्तेदार है उसका रिश्तेदार है ये फलाना है इनका. तो डिस्क्रिमिनेशन की मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करना बाकी हैं. अगर आप लोगों से कोई क्यूरी है तो ये फैक्टर्स वो हैं जो कि आपको उस इश्यूज में घसीटते हैं जो मैंने इनिशियली हाईलाइट किए थे. ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा कॉन्सिक्वेंसेस सारी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होते हैं क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर कर रहा हूं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के कवर क्या होते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन कंटिन्यू. हां मैं एक चीज ऐड यहां पे करूंगा प्लीज क्वेश्चंस जो हैं मुझे से बोलो तुम ऐड कर दो. अच्छा मैं ये आप उसी पॉइंट की तरफ जा रहे हो. पॉइंट ये है कि हम डिफरेंट स्टडीज वाले भी कर रहे होते हैं ग्लोबली कि देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट. अगर आपका जो है हिडन कॉस्ट जो दिख नहीं रही होती है, अगर आपका एम्प्लॉय बीमार हो जाता है कि लॉन्गर रन उसके हेल्थ इश्यू हो जाते हैं वो जो है उसको ऐड नहीं कर रही होती ऑर्गेनाइजेशन
लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आपका बहुत ही लाइक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है लेकिन अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है, वो अल्टीमेटली बीमार हो जाता है, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, उसके एब्सेंटीज्म बढ़ जाती है, छुट्टियां बढ़ जाती हैं, या अल्टीमेटली वो कंपनी छोड़ देता है, तो वो कॉस्ट जो है ना बहुत, वो कॉस्ट कंपनी कभी वो उसको नोट नहीं कर रही होती इन द लॉन्गर रन. तो वो कैसे समझाया जाए, जब हम अब लाइक कुछ कंपनीज अवेयर हो रही हैं, स्टिल कॉस्ट कंपनीज ऐसी हैं जो फैंसी लाइक मंथ में एक प्रोग्राम करा दिया और समझा कि ये लोग हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन वो जो कल्चर है वो इनकल्केट कैसे किया जाएगा कि लोगों को पता लगे क्या करना है. या वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर आपके इतने खास एम्प्लॉय हैं, बहुत प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हैं, पर वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, एब्सेंटीज़म उसका बढ़ जाता है, लो मोटिवेशन हो जाती है उसकी, उसकी जॉब परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली दैट्स अ मेन थिंग. एचआर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो एज एन ह्यूमन रिसोर्स पर्सन मैं इस चीज़ को इस तरीके से लूँगा. ऑर्गेनाइजेशन को अभी हम साइड में रखते हैं हायर मैनेजमेंट की, क्योंकि वो ये पॉइंट जो है वो मोस्टली एचआर ही कवर करता है. तो मैं देखें दो चीज़ें, दो किस्म के माइंडसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या एचआर के. वो कहते हैं कि यार हमें ज़रूरत नहीं है इस बंदे की, हमारे पास पहले से ही सप्लाई बहुत है लोगों की, राइट, चला जाए, नो इशू, ऑल दो प्रोडक्टिव है, हम कल को एक महीने में एक बंदा ट्रेन कर लेंगे और वंस ही जॉइंस अवर कंपनी तो वैसे का वैसा परफॉर्म करेगा. बट दैट्स नॉट अ फैक्ट. मैं लिख के दे सकता हूं कि दैट्स नॉट अ फैक्ट. उसका रीजन ये है कि देखो, एक बंदा जिसपे आप तकरीबन 6 साल आप उस पर इन्वेस्ट कर चुके हो, उस बंदे पे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दुख सुख में शामिल था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा नीचे गई उस वक्त भी वो था, उसकी कंपनी उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने कंपनी नहीं छोड़ी, उसने काम किया, अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे भी आया. सो इट्स बेटर टू नॉट लेट हिम गो. मेरी जो रिकमेंडेशन यही होती हैं, और ये माइंडसेट होता है अगेन, इट्स बेटर टू नॉट लेट हिम गो. और हम इसको बोलते हैं कि एम्प्लॉयज रिटेंशन रेशियो किस तरीके से बढ़ाया जाए. तो इसके वेलबींग के साथ साथ एक एम्प्लॉयज रिटेंशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे. तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि इस माइंडसेट को बिल्कुल हटाया जाए कि आपका एक एम्प्लॉय है जो प्रोडक्टिव भी है, बट वो किसी भी चीज़ की वजह से वो एक स्ट्रेस में है. सो यू बेटर मीट विद हिम, उनको बुलाओ, उनसे बात करो कि भाई तुम्हें कौन सी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं, मुझे बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ें जो है तुम ऐसे पहले परफॉर्म करते थे, अब तुम्हारा जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे आ रही है, उसके फैक्टर्स मुझे रीजंस बताओ, सो वी कैन हेल्प यू आउट टू फिगर आउट दीज थिंग्स एज वेल, राइट. कोई चीज़ तुम्हें चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो तुम्हारे तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसा करने से मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो इट्स एन एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको बुलाऊं और उससे बात करूं, ठीक है, और नॉट ओनली बात करूं बट वो उसका मैसेज जो है मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट से शेयर करके उसको एक आउटपुट भी दूं, दैट्स अ पॉजिटिव आउटपुट. तो ये मेरी रिकमेंडेशन सी है, दैट शुड बी द अच्छा. अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं दो क्वेश्चंस एक साथ बताऊंगा, आप उसको साथ साथ आंसर कर दीजिएगा. एक तो हमारे पास डिबेट चल रही है यहाँ पे भाई नैप की टाइमिंग्स पे, कि सफान आसिफ हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक घंटा दिया जाता है, उसको अगर वाइजली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसमें आप 3 काम आराम से कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं और नैप ले सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नैप के लिए या नमाज के लिए टाइमिंग कम है. एक तो ये क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू इम्प्रूव पॉस्चर फॉर लॉन्गर आवर सिटिंग बिकॉज ऑफ द वर्क लोड, वी माइट नॉट फोकस समटाइम्स ऑन आवर सिटिंग जस्टिस व्हिच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. Absolutely. The second question I would definitely be answered. मेरा point है next जो मेरा point है कि कौन सी tips and tricks होते हैं कि आप अपनी health को improve कर सकते हो, इन factors और इन issues से बचे जा सकते हो, जिसमें ये the body posture भी that's one of the tip as well. तो मैं इसका बताऊंगा क्या तरीकेकार होना चाहिए जिसमें आप भी जो है वो कुछ चीजें add up करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. The first question was कि एक घंटा काफी नहीं होता. आई वुड एग्री द पर्सन के जिन्होंने एक पहला हाईलाइट पॉइंट किया कि एक घंटा शुड बी एनफ. देखा से एक घंटा क्यों होता है एनफ, क्योंकि आपके जरूरी नहीं है कि आप 20 मिनट जाके मस्जिद में बैठ जाओ, क्योंकि आप काम करने आओ यहाँ पे, ठीक है. तो इट्स नॉट बेटर टू गो मस्जिद में और आप 15 मिनट वहाँ पे स्पेंड करो और आधा घंटा आपने नमाज में करना है.
नमाज में कुल टाइम लगता है, अगर आप जमात से भी नमाज पढ़ते हो तो 6 से 8 मिनट लगते हैं, आपने सुन्नत नफल पढ़ ली तो आपको 10-15 मिनट में आपने नमाज में फारिग होना है, यू स्टिल हैव द 45 मिनट्स, 15 मिनट खाने में लगते हैं, 10 मिनट आप वॉक कर लो, थोड़ा सा एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी आपकी, आप 5 मिनट दोस्तों से मिल लो, 15 से 20 मिनट स्टिल आपको मिलते हैं, आप कहीं पे अगर आपको जगह है वहां पे प्रोवाइड की गई है आप लेट जाओ, तो 15 to 20 मिनट्स आर आई थिंक इनफ टू हैव अ शॉर्ट नैप, और जिसमें आपने खाना भी खा लिया, जिसमें आपने नमाज भी पढ़ ली, 5-10 मिनट की चिटचैट भी कर ली दोस्तों से, तो आई थिंक 1 आवर इज एनफ, और ये थोड़ा सा एक नाइंसाफी हो जाएगी अगर मैं इसको बोलूं कि नहीं इसको बढ़ाया जाए। बाकी जो सेकंड जवाब है तो वो मैं उसको डेफिनेटली बाद में देना चाहूंगा क्योंकि मैं इसको कवर करने वाला हूँ। अच्छा एक मैं चीज अगेन आगा, ये बेसिकली ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि नैप का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि नैप मींस 1 घंटा 2 घंटा सोना, नैप या कैलुला का जो कॉन्सेप्ट इज लाइक अराउंड 10 मिनट्स की भी आप अगर साउंड स्लीप ले लेते हैं तो दैट इज अ नैप, लेकिन अगेन वो सो के आप फ्री ऑफ लाइक माइंड को फ्री करके आप लेते हैं ऐसे ही है। अच्छा बेसिकली सफान ने बोला था कि शंगरीला में इनके जो कंपनी है वहां पे कल्चर है, अब आई एम श्योर कि उन्होंने कोई ना कोई जगह बनाई होगी प्रॉपर, इवन अगर वो नमाज की जगह है या मस्जिद भी है वहां भी अगर आप लेट के 10-15 मिनट प्रॉपर लाइक फ्री ऑफ एनी थॉट्स अगर कर लें तो दैट वुड बी इनफ। मस्जिद में मतलब कोई भी जगह हो, मतलब प्रॉपर जगह, पॉइंट ये था कि मेरा जो पॉइंट मैं रिएट कर रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट जो है ना वो इनफ होते हैं, अगर 1 घंटे की आपकी ब्रेक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट शायद बना हुए लोग समझते हैं कि आपने 1 घंटा कैलुला लेना है या नैप लेनी है, लेकिन नैप लाइक इट्स लाइक 10 to 15 मिनट्स इनफ होता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो होने चाहिए। जस्ट आयास सेट के मोबाइल लेके नहीं बैठे, मैंने देखा अपनी कंपनी में बहुत से लोग नैप लेने की कोशिश कर रहे थे, वो फ्री टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, दैट स्ट्रेस यू आउट ना, स्ट्रेस आउट कर रहा होता है आपको, तो रेस्ट मींस रेस्ट, मेडिटेशन करनी है, अपने थॉट्स को फ्री करना है माइंड से ताकि आप फ्री होके फ्रेश होके जाएं। राइट, काम से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा डिफरेंट चीज करनी है जैसे आप वापस रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि अगले 4-5 घंटे और फिर दोबारा से जो है वो आपको अपने वर्किंग आवर्स कंटिन्यू करने होते हैं। अच्छा एक चीज है, मैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अयाज, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पे, ये लास्ट में आया हुआ है आगा उमर का। अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आर सो मैनी एम्प्लॉयज, और मैं भी 2 क्वेश्चन बेसिकली मर्ज करूंगा, एक जो सोल प्रोप्राइटर वाला था, दूसरा ये आगा उमर ने किया हुआ कि सेल्स प्रेशर बहुत ऑन बहुत हाई होता है स्पेशली मार्केटियर्स और सेल्स प्रेशर, जो मार्केटियर्स होते हैं या जो सेल्स के लाइक जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा उनका देन ठीक है, उनका हमेशा एक वो रहता है जिसको कहते हैं ना वो इन दी लाइक एक हमेशा एक तलवार लटकी हुई होती है सर पे कि यार कभी भी फायर कर देंगे अगर सेल्स प्रेशर नहीं है, लाइक फैक्ट के अगर वो कंपनी को काम करके भी दे रहा है, दूसरे चीजें सही हैं, सेल्स प्रेशर होता है, सेल्स कभी कम ज्यादा हो रही होती है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो ही लाइक उसको फायर कर दिया जाएगा, राइट। ये चीज अगेन दूसरे प्रेशर तो अपनी जगह, ये तो जॉब सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, यहाँ तो स्ट्रेट अवे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो इसको कंपनी को क्या करना चाहिए। और दूसरा उनका क्वेश्चन और भी लंबा था कि आई रेकन अननेसेसरी प्रेशर दैट एन एम्प्लॉयर रिसीव्स लैंड देम इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अ रिसर्च शोस दैट कॉर्पोरेट सेल्स एम्प्लॉयज आर हैविंग डायबिटीज ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर एंड वर्कलोड, व्हाट आर योर थॉट्स एंड रेमेडी क्या है इसकी। ओके बहुत एक डिफरेंट एक जो है वो क्वेश्चन है डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने एक 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 पर्टिकुलर जॉब को उन्होंने एक हाईलाइट किया है जो है सेल्स की जॉब बेसिकली, बहुत हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट सेल्स पर्सन जो हैं बेचारे गर्मी में, सर्दी हो बारिश हो, दे हैव टू अचीव द टारगेट एंड वी सी दैट वो बाइक पे बसों पे धक्के खाते हुए वो किस मुश्किल से डिफरेंट जगहों पे पहुंच के अपना टारगेट अचीव करेंगे और सेल्स बढ़ाने की बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है हमारे यहाँ के, इनफैक्ट यू नो मैं ये कहना चाहूँ कि डिफरेंट जॉब्स हैव द डिफरेंट स्ट्रेस और डिफरेंट इश्यूज, राइट। तो इन्होंने एक इसी को ही हाईलाइट किया है। रेमेडीज इसकी यही होनी चाहिए कि देखें क्योंकि सेल्स पर्सन है, अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज बात बताऊंगा, क्योंकि ये सेल्स पर्सन है, अगर आप सेल्स प्रेशर को अगर आप देखना चाहें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इसको मैं पहले बाद में हाईलाइट करूंगा, पहले इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि इसको अपना प्रेशर किस तरीके से रिलीज करना चाहिए जो कि उसके फिजिकल स्ट्रेस है।
देखें वो बंदा जो सेल्स वाला बंदा होता है वो हमेशा ऑफिस के बाहर ही रहता है, राइट, यू नॉट टॉकिंग अबाउट कोल्ड कॉलिंग, वो एक आउटसोर्स आउटडोर जो सेल्स की बात हो रही है हम उसको हाईलाइट करें, कोल्ड कॉलिंग की बात नहीं हो रही, राइट right? तो जो बंदा बाहर रहता है हमेशा उसको एक अपॉर्चुनिटी ये हो रही है कि वो कहीं पे भी टाइम स्पेंड कर सकता है, कहीं किसी ढाबे पे बैठ गया, कहीं किसी से बात कर ली, कहीं से किसी से मुलाकात कर ली, इनफैक्ट ही कैन सब यू नो ही कैन डू समथिंग लाइक दिस कि उन्होंने बीच में आधा घंटा एक घंटा निकाल लिया और एक आसपास के इलाके में एक जिम ज्वाइन कर लिया उन्होंने खामोशी से. तो अगेन यू गाइस वुड डेफिनेटली एग्री कि वो एक जिम में जो स्ट्रेस रिलीज होता है व्हेन यू गाइस यू नो वेरी वेल कि उसमें कितना फर्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी प्रेशर रिलीज होने पे. तो जो फिजिकल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मेरी बेस्ट रेमेडी यही रहेगी कि यू शुड ज्वाइन द जिम ड्यूरिंग दोज आवर्स. ओके एंड अब रही बात कि एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयर के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए कि अगेन दैट्स अ माइंडसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने सेल्स पर्सन पे कितने प्रेशराइज कर रहे हैं. जो मैंने इनिशियली एक फैक्ट बताया था सुसाइडल फैक्ट का, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही है कि 90% लोग जो सुसाइड करते हैं उसका रीजन कोई लैक पुलिंग की वजह से नहीं होता, वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं करते, उसका मेन रीजन यही होता है कि मेंटल इलनेस की वजह से ही होता है. तो ये एक वही फैक्टर्स हैं जिसमें जॉब प्रेशर हो गया खासतौर पे सेल्स पर्सन के लिए. तो मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा आप इतने जो है वो प्रेशराइज ना करें अपने अपने सेल्स पर्सन को या अपने एम्प्लॉयज को. वो आप लोगों के एम्प्लॉयज हैं और आपकी रिसोर्स हैं जिससे आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन चलती है. अगर ये रिसोर्स ना रहे तो डेफिनेटली यू आर जस्ट गोइंग टू शट डाउन इन अ डे. तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अवॉइड प्रेशराइजिंग योर एम्प्लॉय. और एम्प्लॉय के लिए ये बेहतर रहेगा कि अगर वो कहीं बाहर हैं तो आधा एक घंटा किसी ज्वाइन करके वो एक अपना प्रेशर भी वैसे भी रिलीज कर सकते हैं. यू नो व्हाट कि वो एक जब पसीना एक्सट्रैक्ट होता है तो जस्ट यू नो काम डाउन. ओके अगर एक क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है जो आपने आंसर करना था उसकी डिटेल की तरफ चलिए अगर आप कुछ और पॉइंट्स के साथ जोड़ना चाह रहे हैं. उन्होंने कहा था कि लॉन्गर सिटिंग्स की वजह से हमारा पोस्चर जो खराब हो जाता है, एक वो और एक भाई हमारे अल्ताफ बलदी उन्होंने क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग द नाइट जॉब्स के नाइट जॉब्स में बहुत एंग्जाइटी होती है ड्यू टू द स्लीप डिसऑर्डर्स की सारी बातें, वो रात की नींद पूरी नहीं ले पा रहे होते. So, can we cope up with it anyhow? Yeah, honestly speaking, this is one of the most disturbing. Night working is something like कि आप लोगों ने completely अपनी life को ना एक बिल्कुल धर्म भरम कर दिया, you know. और sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं कह रहा हूँ अपसाइड डाउन कर दिया बिल्कुल, मतलब राज जो सुबह में इस वक्त जरा चल रहे हैं. देखें अगर आपको एक सेल्स दिन में मिल जाए ना, यू बेटर गो फॉर द सेल्स जॉब इंस्टेड ऑफ गो फॉर द नाइट जॉब, राइट, क्योंकि वो आप फिर ना तो सोशल रहते हैं पहली चीज, राइट, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि पूरा दिन आप सो रहे होते हैं, रात होती है सोने के लिए आप जाग रहे होते हैं, राइट, और खाने पीने की चीजें और टोटली दिन में तीन बार खाना होता है, आप खाना होता है रात में तीन बार खाते हैं आप. स्पेशली ऐसे लोग जो खास तौर पे रोटेशंस पे रहते हैं ना, उनके साथ तो और भी ज्यादा मसले हैं. कि आई हैव सीन माय ओन ब्रदर, ही यूज्ड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो सीएसआर के तौर पे काम करता था. तो चार दिन कुछ और टाइमिंग्स हैं आफ्टरनून की, चार दिन जो नाइट की, चार दिन अर्ली मॉर्निंग जाना है. And अभी जो बात की ना, आई कैन रिलेट इट विद दैट, तुमने कहा ना कि घर के लोगों को टाइम नहीं दे पाते, एंड लिटरली ऐसा होता था, वो घर आता था, he would turn off the light and he doesn't need a single voice. उससे कहता था एक आवाज नहीं करो, खुदा के लिए मुझे सोने दो, ये उसकी हालत होती थी, इतना स्ट्रेस होता था उसको. तो मतलब ये है कि आप खुद भी ले रहे हैं, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके भले थोड़ी सी कम अर्निंग वाली मॉर्निंग जॉब कर लें, उस स्ट्रेस से काफी बेहतर होगी वो, आई बिलीव. बाकी आप बताओ, दिन में कुछ भी मिल जाए, चाहे सैलरी आपकी रात की जॉब से 50% भी कम हो, आई वुड रेकमेंड टू गो फॉर द डे जॉब, राइट, क्योंकि आपका लाइफ में सिर्फ काम करना नहीं होता, आपकी लाइफ में कुछ और भी चीजें हैं, यू हैव योर फैमिली, राइट, एंड यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव पीपल अराउंड यू. वहां पे सिर्फ जॉब करना, दिन में सोना और फिर वापस जॉब करना रात में और फिर दिन में दोबारा सोना, दैट्स नॉट अ लाइफ. तो इन चीजें थोड़ा सा मेरी अल्ताफ को एक रिकमेंडेशन होगी कि
यू बेटर क्विट दिस जॉब, और अगर दिन में कोशिश करो कि कोई जॉब मिल जाए, कम सैलरी में मिले, बट गो फॉर द डे जॉब. ओके, सो तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा था. द फर्स्ट थिंग, जो ये सारे फैक्टर्स और इश्यूज थे, उस पर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा कवर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करती, यू नो, खासतौर पर सेठिया कंपनीज जो होती हैं इस चीज़ को नहीं हाईलाइट करती, बट दैट्स अ मेन थिंग. आजकल जो है वो अगर आप इंटरनेट पर चले जाओ, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इन चीज़ों पे, राइट? तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिस जो अगर आपके एम्प्लॉयज बीमार हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जो कि आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या नतायज निकलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट द मेडिकल कॉस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली जो कॉस्ट होती है वो होती है मेडिकल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी is to give the medical coverage for the employees. ठीक है, अगर किसी का सालाना प्रीमियम 1,000 रुपये है और वो इतना frequently पिछले एक दिन डेढ़ सालों से एक कल्चर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में लोग बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं स्ट्रेस की वजह से, एनजाइटी की वजह से, हेडेक की वजह से, जॉइंट प्रॉब्लम्स की वजह से, कि वो अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर जब वो रिन्यूअल की तरफ जाएगा इंश्योरेंस की तरफ, तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपने एम्प्लॉय को मैक्सिमम कवर दूँ. कुछ एम्प्लॉयज़ ने, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताऊंगा, मेरा डिस्कशन चला था किसी दोस्तों के साथ, मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा. तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोग अपनी जो है वो कौन सी कंपनी के साथ आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, तो उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल जुबली इंश्योरेंस के साथ. उन्होंने बोला कि ओके, मैंने कहा कितना आप लोग प्रीमियम एम्प्लॉयज़ का पे करते हो हम ईयरली बेसिस पे, क्या कोई डिडक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की सैलरी? उसने कहा 50% हम लोग प्रीमियम पे करते हैं और 50% जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी से जाती है. सो दैट मीन्स के 50% जो है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है और एम्प्लॉयज के लिए 50% भी कॉस्ट है, सही है? मैंने कहा आप लोगों का ट्रेंड क्या रहा है पिछले 2-3 सालों से, क्या आप लोगों ने ईयरली बेसिस पे कवरेज बढ़ाई है या कम की है? वो बेसिकली एक सेठिया कंपनी थी, तो उन्होंने बोला कि यार हम लोगों ने पिछले 3 सालों में 100% अपनी कॉस्ट बढ़ाई है, अपना प्रीमियम बढ़ाया है. मैंने कहा सीरियसली, मतलब दैट्स अ बिग कॉस्ट. अगर वो 5 लाख रुपये लेट सपोज की सालाना थी, तो वो अभी 10 लाख रुपए देता है 2-3 साल के अंदर अंदर. उसका फैक्टर्स तुमने ऑब्जर्व किए हैं आप लोगों ने कि क्या हो सकते हैं? उसने कहा यार लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा थी कि हम लोग जो है ना बीमार हैं, उसमें ओपीडी कवर नहीं है, ये चीज़ें नहीं है. मैंने कहा तो आप लोग उस पर काम क्यों नहीं करते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, राइट? क्या आप उसको प्रिवेंट एक सॉरी आगा मैं आपको वो कर रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं. इससे रेलेवेंट ही मेरे पास एक सजेशन और काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई डोंट वी हायर द फिटनेस एक्सपर्ट्स या जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, हम उनको हायर क्यों नहीं करते, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस उनको हायर क्यों नहीं करती हैं? अभी मुदस्सिर ने इस पे बात भी कही थी कि जो करते हैं भी हैं तो महीने में एक दिन बुला के समझते हैं कि शायद काफी होगा, उसके बाद जो है वही प्रेशर सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं एक दोबारा. अयाज, इसमें मैं चीज बताना चाहूंगा कि देखें, वो तो एक मुदस्सिर ने जो बेसिकली हाईलाइट किया था पॉइंट, वो होता है वेलबींग प्रोग्राम के हवाले से. ठीक है, आपने एक जो है वो महीने के बाद जो है वो एक बंदा साइकोलॉजिस्ट बुला लिया और डिफरेंट बात डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर ली, एम्प्लॉयज को फिटनेस टिप्स बता दी या वेलबींग के हवाले से डिस्कस कर लिया. आजकल जो यू नो व्हाट, जो साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट है ना, जो आपने अभी इनका क्यूरी है, वो दे आर मेकिंग एज ए स्पेशलाइजेशन. और वो एक वो जब भी एक एम्प्लॉयर जो है वो एक एचआर मैनेजर या एचआर का कोई रिसोर्स हायर करता है ना, तो वो कोशिश करता है कि उसी बंदे ने साइकोलॉजिस्ट में साइकोलॉजी में भी जो है स्पेशलाइजेशन की हो, तो वो एक बंदे से 2 काम करवाता है, राइट? तो जैसे कल को उसको एक नया साइकोलॉजिस्ट जो है वो हायर करने की जरूरत ना पड़े. तो आई हैव सीन दिस थिंग्स. मैंने कहा 2-3 जगहों पे एक जॉब अनाउंसमेंट्स देखी है जो अनाउंसमेंट्स देखी है, तो वो क्या सैलरी भी डबल देता है उस पे? हां डेफिनेटली. वो फिर अच्छा वरना फिर वो उसके लिए भी प्रेशर होगा जो बंदा काम कर रहा है, वो वहां पे विंग कॉम्प्रोमाइज हो गया वो तो. हाँ नहीं डेफिनेटली वो डबल स्पेशलाइजेशन के साथ. तो इनका पॉइंट सही है कि एक हायर क्यों नहीं कर रहे. तो आजकल चलाक हैं ऑर्गेनाइजेशन भी, बहुत बड़ी चलाक है होते हैं. ठीक है, तो वो कहती हैं कि हम लोग एचआर मैनेजर ही हायर करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो रेलेवेंट इश्यूज जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो एचआर कवर कर रहा होता है. ठीक है, ग्रीवेंसेज हो गए, मेडिकल हो गए, सच चीज़ें, तो वो एचआर को ही क्यों ना हम एचआर को ही हायर करें और उनको ही इसी फील्ड में एक स्पेशलाइज बंदा ढूंढें जो कि एक फिटनेस और वेलबींग को भी कवर करें.
तो ये भी एक चीजें जो हाईलाइट करती हैं। अच्छा, मैं कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बात कर रहा था आयास, कि द मेडिकल कॉस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उस बंदों उसने 100% अपन लोगों ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी थी, तो मैंने उसको बोला व्हाई डोंट यू गो फॉर द प्रिवेंशन, व्हाई डोंट यू हैव सम वेलबींग प्रोग्राम्स इन द फिटनेस प्रोग्राम इन योर ऑर्गेनाइजेशंस टू मिनिमाइज सच थिंग्स। ठीक है, तो वो दो मिनट के लिए सोचा वगैरह कि ये क्या होता है और कैसे होता है। फिर मैंने उसको एक डिटेल में चीजें बताई, भाई देखो ये चीजें तुम कवर चीजें कर सकते हो जिससे और कुछ भी नहीं होगा, लोगों का प्रेशराइज प्रेशर कम हो जाएगा, उन लोगों को मालूम होगा कि क्या चीजें ना करने से आप लोग कौन सी बीमारियों से या मेंटल इलनेस जो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होती हैं उससे बच सकते हो, जो मैं आगे हाईलाइट भी करूंगा। द नंबर टू द कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी के लिए होते हैं, वो होते हैं लो मोटिवेशन। आपकी जब एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होंगे, आपकी कंपनी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नीचे आएगी, ये फैक्ट है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ना ही कोई इसके जो है वो कोई सोची बात है, दैट्स अ फैक्ट। और आप अगर आप रिसर्च करो इंटरनेट पे, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट लो मोटिवेशन मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हमेशा लो होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जाना ही नहीं चाहते। उनको मोटिवेशन अब उनको डिफरेंट फैक्टर्स से मिल सकते हैं डेफिनेटली, जिसमें से आपकी हेल्थ द फर्स्ट एंड प्रायोरिटी थिंग है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा इशू होता है ऑर्गेनाइजेशन के, बोले एब्सेंटीज्म, जिसकी मुजम्मिल मुदस्सिर बात कर रहे थे। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो होता है एब्सेंटीज्म। तो अगर बंदा बीमार है तो डेफिनेटली वो तो एब्सेंटीज्म होता है। तीसरी चौथी चीज जो होती है, वो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादातर, क्योंकि उसका दिल नहीं लगता काम करने के, वो तो दूसरी चीजों में लग जाता है, फजूल की चिटचैट शुरू कर देगा, टाइम स्पेंड करेगा, यार दिन निकल जाए, घर निकलना है बस, शाम जल्दी 5 हो जाए 6 हो जाए और मैं घर निकल जाऊं, तो उनका दिल नहीं लगता काम करने में। दैट्स अनदर द कॉन्सिक्वेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी कोई हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता। तीसरा चीज होता है डेफिनेटली, जो मैंने पहले ही बताया, पुअर परफॉर्मेंस, डिले इन द प्रोजेक्ट्स एंड अदर थिंग, दैट अगेन गिव्स यू द इम्पैक्ट ऑन योर एनुअल अप्रेजल्स। अगर आप जो है वो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी पे हो, महीने में 4 दिन 6 दिन छुट्टी पे हो बीमारी की वजह से, और आपके डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं, जो आपके डेली बेसिस पे भी होते हैं, आपके 15 डेज 2 वीकली बेसिस पे भी होते हैं, वो अगर डिले होते जाएंगे, अल्टीमेटली आपकी उसकी परफॉर्मेंस आपकी आपके एनुअल अप्रेजल्स पे जाती है, और दैट्स अ फैक्ट। और जो HR जो है ऑर्गेनाइजेशन जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, कि हर एम्प्लॉय पर नज़र रखती है कि उनको अगर कोई कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं तो उन्होंने विद इन द टाइम कम्प्लीट किए हैं या नहीं, तो ये एक अप्रेजल में अकाउंट करने की चीज़ें होती हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है एक्सक्यूज मी, सिक लीव जो होती है लिंक्ड विद द वीकेंड्स। ये एक एनालिसिस है जो बहुत सारे लोग शायद इसको हाईलाइट नहीं करते होंगे। लोग कहते हैं यार जुम्मे के दिन ना बीमारी का बहाना करो, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ है, लंबा वीकेंड मिल जाएगा, राइट? तो हल्का जुकाम बुखार, हल्का जुकाम बुखार, ये मैंने तकरीबन जहां जहां काम किया है वहां मैंने यही नोट किया है। हाँ, या तो मंडे के दिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यूं भी मैंने सुनने में आया है कि एक्सपीरियंस किया बल्कि मैंने कि अगर आप उससे रेलेवेंट डेज में छुट्टी करते हैं तो फिर आपकी जो ऑफ की होगी उसकी भी सैलरी कटती है। वो कहते हैं सैंडविच पे, सैंडविच पे आफ्टर डे, फ्राइडे को और आपके मंडे को, मंडे को 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 2 दिन होना चाहिए, 2 दिन होना चाहिए, बट हम लोग जो है मोस्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्करेज करते हैं कोई सैंडविच वैंडविच का कॉन्ट्रैक्ट। यू नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑन योर एम्प्लॉयज, और आप ऐसा चीज क्रिएट करो अपने एम्प्लॉयज के लिए कि वो आप पे ट्रस्ट करें, वो आपसे झूठ ना बोले डेफिनेटली। तो अगेन डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपके कल्चर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अयास में अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि इट्स बीन लाइक 1 आवर और बातें बहुत सारी हैं और लिटरली काफी सुनने में बहुत रिलेट कर पा रहा हूं मैं तो एटलीस्ट। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा जगहों पे काम नहीं किया, आई हैव जस्ट बीन अ टीचर एंड फिटनेस ट्रेनर, तो हमारा काम थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन स्टिल आई कैन रिलेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहां पे जिस तरह से क्वेश्चंस कमेंट्स एक्चुअली आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, कमेंट्स ज्यादा है, तो आई वुड से कि शायद हमें एक प्रोग्राम किसी दिन और करना पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं किस दिन कर पाते हैं। कवर्ड 30% ऑफ माय सेशन, सो देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स, लॉट मोर थिंग्स टू
उनके टिप्स का भी टिप्स अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्टली एलिमेंट में ही अभी का जो पार्ट है वो फिलहाल आई कैन हैव एन आईडिया मतलब आपकी कन्वर्सेशन से आईडिया हो रहा है देयर इज अ लॉट मोर टू शेयर. ये एक क्वेश्चन ज़ेबुन निसा का है, काइंडली वो आंसर कर दीजिएगा फिर हम लोग एंड की तरफ चलते फिर बाकी प्रोग्राम किसी और दिन रखेंगे इंशाल्लाह. ज़ेबुन निसा का भी क्वेश्चन के जो लेट सेटिंग्स मतलब हमें लॉन्ग टर्म बैठना पड़ता है उसको हम किस तरह केटर कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं उससे. हाँ मैं बेसिकली हाँ, अब बेहतर यही है कि मैं अब उस चीज में आ जाऊं जो कि रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जो इन सारे स्ट्रेस को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कवर सकते हैं कवर कर सकते हैं. ठीक है, द फर्स्ट थिंग जो मैं स्टार्ट करूंगा वो ये स्टार्ट करूंगा कि जैसे ही आप लोग सुबह के वक्त ऑफिस जाते हैं तो यू बेटर यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर. अगर आपका जॉइंट का दर्द नहीं है, अगर आपके हार्ट पेशेंट नहीं है एंड यू आर यंग एंड यू आर एनर्जेटिक, व्हाई आर यू यूजिंग योर एलिवेटर्स, व्हाई डोंट यू गो फॉर द स्टेयर्स, राइट? तो एक सुबह सुबह एक्टिविटी हो जाती है, हार्ट आपका पंप हो जाता है, ब्लड पंप हो जाती है, राइट? तो दैट गिव्स यू द एनर्जी एज वेल. तो ये फर्स्ट टिप होती है इन द मॉर्निंग कि आपने अगर दो तीन फ्लोर हैं तो यू बेटर गो स्टेयर्स. और ये अगर आप इसको रिसर्च करें इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है आपकी स्टार्ट ऑफ योर डे पे कि आपने किस तरीके से अपने दिन का एनर्जेटिक आगाज करना है. एंड यू विल फील थोड़ी देर के लिए आपकी सांस फूल जाएगी बट अगेन व्हेन इट कम्स डाउन इट नॉर्मल और आप एक बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक फील करेंगे सुबह सुबह, क्योंकि अक्सर सुबह होता है कि आप ऑफिस में जा रहे हैं और आप तकरीबन दो तीन लोगों ने तो जमाइयाँ दे के आपको भी नींद की तरफ लेके जाते हैं. तो द फर्स्ट टिप जो मैं आपके फिटनेस की जो हम शुरुआत कर रहे हैं कि यही बोलूँगा फिट रहने के लिए कि ये यू बेटर गो फॉर द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर्स. दूसरी चीज जो ये है कि होता ये है कि हम काम की वजह से अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जो कि मैं अभी तकरीबन 15-20 मिनट हो गए मैंने भी नहीं पिया इनफैक्ट. तो काम के दौरान हम लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं. पानी पीने से दो चीज़ें जो चीज़ें कवर होती हैं आपकी हेल्थ पे, एक तो चीज़ कि आपका पेट हमेशा भरा रहता है तो आपका फजूल का जंक खाने का दिल नहीं करता, पहली चीज़, और आप हाइड्रेट रहते हैं, राइट? ये दूसरी चीज़. तो पानी पीने से यू गाइज आर न्यूट्रिशन तो यू कैन बेटर सजेस्ट के और क्या फ़वाद होते हैं इसके. तो मेरे लिहाज से तो पानी पीना जो अहम होता है वो इस तरीके से आपका पेट भरा रहता है क्योंकि आपको आपको भूख कम लगती है. अगर आपको कम भूख लगेगी तो डेफिनेटली आप जंक की तरफ नहीं जाएंगे और दूसरा आप हाइड्रेट रहते हैं. ये दूसरी चीज़ थी, राइट? तीसरा जो चीज़ है रिस्ट्रिक्ट द कैफीन, टेकिंग कैफीन, राइट? अक्सर काम के प्रेशर में लोग जो है वो हद से ज़्यादा चाय पीना शुरू कर देते हैं, कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं जिसमें शुगर भी मिली रहती है और शुगर अगेन दैट्स अगेंस्ट योर हेल्थ विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल. तो बेस्ट यही रहता है कि उसको मिनिमाइज कर लो, ठीक है? शुगर चीनी जो है हम लोग अक्सर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर चाय और कॉफ़ी में, उसको मिनिमाइज़ कर लो, कैफीन को मिनिमाइज़ कर लो क्योंकि वो आपको हर वक्त जगाता रहता है जो कि आपके मेंटली ऑल्दो आप फिजिकली तो थक चुके होते हैं लेकिन मेंटली वो आपको जगाता रहता है. तो ये दोनों की जंग रहती है जो आपको एक अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपके जो है वो बीमारी का बायस बनती है. एक और चीज़ जो मैं इस पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि 8 घंटे सीट पे बैठना लाजिम नहीं है भाई. एक एक घंटे में ट्राई टू टेक ब्रेक, ठीक है? चले जाओ, वॉक पे चले जाओ. दूसरे कलीग जो आप फ़ोन पे बात करते हो कि यार ये काम है, ये काम है, ईमेल करनी होती है, नो, यू बेटर गो टू हिम. वॉक करके जाओ ऑफिस में, उसके पास जाओ, दो तीन मिनट गुजारो. एटलीस्ट आप एक घंटे के बाद उठते हो क्योंकि 8 घंटे अगर आप बैठते हो तो और भी बीमारियों का बायस बन सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट थिंग बीमारी बन जाती है. कब्ज जो आपका एक सबसे बड़ा इशू है, ठीक है? खासतौर पे जो ड्राइवर्स होते हैं और जो लेट सेटर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ठीक है? तो 8 घंटे कंटिन्यू ना बैठो, एक एक घंटे के बाद ब्रेक लेते रहो, राइट? अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगा वो मतलब हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि अवॉइड मिंगलिंग विद द सिक पीपल. दिस इज विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि बीमार लोगों से जिनको हल्का खांसी बुखार है तो अवॉइड करो, उनसे दूर रहो. क्योंकि देखो हम लोगों ने अब जाके सैनिटाइजर्स ऑफिस में इस्तेमाल, ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी, मैंने अब जाके सैनिटाइजर्स ऑफिस में इस्तेमाल करना शुरू किए हैं. बट पैंडमिक आपको जो नॉर्मल जो बुखार रहता है, आपको जो नॉर्मल फ्लू रहता है ऑफिस में,
वो भी आप लोगों के एम्प्लॉय से ही रहता निकलता है, यू नो, उनको अगर होता है तो वो आप लोगों की तरफ ही फैलता है. तो अवॉइड यू नो इन कॉन्टेक्ट विद दोज पीपल. ये भी एक टिप मैं दोनों आप लोगों को देना चाहूँगा, जो कि ऑब्वियस है और ये डेफिनेटली लोग करते भी होंगे. दूसरी चीज, कीप योर डेस्क क्लीन एंड सैनिटाइज्ड, राइट. जरासीम जो है मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट तक तो कहीं नहीं गया. अगर कोई यहाँ पे किसी चीज को टच करके जाता है तो इट विल रिमेन फॉर द 20-30 मिनट्स, राइट. टू कीप योर सेल्फ क्लीन. मैं अगेन जो मैंने जब अपना सेशन स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक चीज कवर की थी कि जो मैं चीजें कवर करूंगा, जो मैं चीजें बताऊंगा, जो मैं टिप्स एंड टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा, वो ये नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको जो है बॉडी बिल्डर चाहिए. वो यू नीड अ फिट पीपल. फिटनेस इन चीजों से आती है. आप बीमार ना रहो, आप एक्टिव रहो, आप प्रोडक्टिव रहो, आप परफॉर्मेंस दो, ठीक है. तो ये चीजें वो होती हैं जो कि ऑब्वियसली आपको एक हेल्दी हेल्थ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती हैं. एक और चीज है जो कि मैं जो कि 2-3 दफा लोगों ने पूछा कि हम पोस्टर कौन सा बनाएं 8 घंटे के लिए. देखें, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा सा मैं लैपटॉप को दूर रखूंगा. इसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ यू नो मेजरमेंट, कि जहां तक आपकी आर्म्स है ना वहां तक अपनी स्क्रीन को दूर रखो, ठीक है. एंड मेक योर ट्राई टू मेक के आपकी जो चेयर है उसकी बैक पे आपको कंप्लीटली सपोर्ट हो. द फर्स्ट थिंग, यू डोंट हैव टू लीन ऑन योर स्क्रीन, जो कि बहुत अभी बुरा लग रहा है स्क्रीन पे, कि आपका फेस बिल्कुल एक लीन हो जाए एंड योर नेक कम्स डाउन, जिसको मैंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी, TNS टेंशन सिंड्रोम होता है एक, जो कि आपका स्ट्रेस पड़ता है आपकी नेक पे कम्प्लीटली फिजिकल, जो कि आपके हिप बोन पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा एक बीमारी का बायस भी बन सकता है. तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव अ प्रॉपर बैक सपोर्ट, ठीक है. आपकी स्क्रीन आपके आईज के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. अगर आपकी चेयर जो है वो नीचे ऊपर हो सकती है तो यू बेटर मेक इट इन द वे कि आपकी स्क्रीन और आपके आईज जो है वो बिल्कुल आमने सामने हो, ना कि बहुत ज्यादा ऊपर हो, ना कि बहुत ज्यादा ऐसा नीचे हो कि आप स्क्रीन को ऊपर देख रहे हो. दैट्स नॉट अ राइट वे, ठीक है. और आर्म्स लेंथ पे हमेशा आपको आपके स्क्रीन या कीबोर्ड होना चाहिए. उसकी दो वजूहत हैं. एक तो आपकी नज़र स्क्रीन से दूर रहेगी, जिसकी वजह से आपकी आंखों में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, राइट. और आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी अगर आप आर्म्स लेंथ पे अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं. सो दैट्स अनदर पोस्चर दैट आई वुड रेकमेंड. अगर आप लोग ज्यादा फिटनेस ट्रेनर हैं तो उसमें आप चीजें ऐड अप करना चाहें तो आप कर सकते हैं. तो देयर आर अदर लॉट मोर टिप्स जो कि जो मैंने एक और चीज बताई थी कि डोंट ट्राई टू बी ओवर एफिशिएंट, कि आप लॉन्ग सेटिंग आवर्स करें. और मैनेजमेंट को ये नहीं दिखता, मैनेजमेंट को सिर्फ आउटपुट चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए. वो आप 6 घंटे में करें या 4 घंटे में. ऑल्दो एक कुछ मैनेजमेंट ऐसी जहरीली होती हैं कि आपको जो है वो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जैसे मुदस्सर ने हाईलाइट किया कि वो लोग जो है वो आपकी मैनेजमेंट जो है वो आपको बार बार से दोबारा प्रोजेक्ट दे देगी. एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ वो दोबारा दे देगी. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है. तो ये कुछ चीज़ें हाईलाइट में मैंने करना चाही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इंडिविजुअल की, जो कि खुद बंदा एक कर सकता है. जो लास्ट थिंग जो मैं हाईलाइट करूंगा वो है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द हेल्दी एनवायरनमेंट. देखें, द फर्स्ट थिंग दैट द मुदस्सिर आल्सो हाईलाइटेड द अरेंज द वेलनेस प्रोग्राम्स, जिसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा हाईएस्ट रहता है हमेशा. दैट्स अ फैक्ट. ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने महीने में एक प्रोग्राम करवा लिया या 6 महीने में 2 प्रोग्राम करवा लिया, दैट्स नॉट, दैट्स अ अवेयरनेस थिंग. That's awareness. और awareness जो है वो एक प्रोग्राम से नहीं आती, ये एक बार बार रिपीटेशन से आती है. इमरान खान जो है हमारे वजीर आजम, वो एक चीज बार बार रिपीट क्यों करते हैं? लोग उसको अक्सर कहते हैं यार ये चीजें बार बार क्यों बोलते. That's an awareness. That's a process. तो ये जो प्रोसेस है, ये अवेयरनेस प्रोसेस जो है वो एक दफा से नहीं आता, 2 दफा से नहीं आता. यू नीड टू मेक इट प्रैक्टिस फॉर योर एम्प्लॉयज. तो बार बार उन लोगों को बुलाओ, बार बार वो सेशंस करो, कहीं से भी मिल जाए लोग, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग, हमें नॉलेज नहीं होती. जरूरी नहीं कि आप कोई महंगा सा कोई साइकोलॉजिस्ट लाओ, कोई फिटनेस ट्रेनर लाओ महंगा, कोई बॉडी बिल्डिंग की टिप्स बताए. नहीं भाई,
एक सिंपल सी चीजें बताएं कि आपको डेली रूटीन में 8-9 घंटे जो ऑफिस में गुजारते हो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जिसकी वजह से आपके ऑफिस आपके हेल्थ पे उसका प्रेशर भी ना हो, जो आपकी इलनेस का बायस भी ना बने और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी हमेशा बेहतर रहे। दूसरी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि खासतौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो डेफिनेटली वो यही है कि प्रोवाइडिंग टूल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द हैजार्डस एनवायरनमेंट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको पता है कि लोग किट्स वगैरह होती हैं, उनके प्रॉपर टूल्स होते हैं कि जैसे वो उन इंडस्ट्री या मशीन से अनसेफ मशीन से वहाँ से बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यू नीड टू मेक श्योर यू हैव अ प्रोसेस, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि यू नीड टू हैव अ प्रोसेस ऑफ द रिस्क असेसमेंट एवरी ईयर। हर साल या 6 महीने में एटलीस्ट आप एक रिस्क असेसमेंट करो जो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड हो, और मुख्तलिफ सर्वेस करो अपने और अपने एम्प्लॉय से पूछो कि भाई यहाँ पे आपको क्या इशूज़ हैं ये बताओ, कुछ छोटा सा फॉर्म दे दो, येस और नो का जवाब हो, 2-3 ऑप्शन हो उसमें, वो डेफिनेटली यू विल हैव लॉट ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, और उस तरीके से आप एक देन यू कैन गो फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम, और आप अपने ट्रेनर को रिकमेंड करो भाई हमारे पिछले 6 महीने में ये इशूज हैं, नो यू बेटर हाईलाइट दोज थिंग्स ड्यूरिंग द सेशन। जी आज ठीक है, थैंक यू आगा। आगा आपने, मैं बैठा हुआ था काफी देर से कि मैंने कहा शायद मेरी बोलने की बारी आएगी, लेकिन जो चीजें मुझे बतानी थी आपने खुद ही कवर कर ली। माशाल्लाह यू आर क्वाइट एन एक्सपर्ट इन दिस फिटनेस थिंग एज़ वेल। कि मैं बस ये बताना चाह रहा था कि वर्क में गैप आना जरूरी होता है, कितना गैप ले सकते हैं, यू हैव टोल्ड दैट थिंग ऑलरेडी, एंड इट वाज लिटरली वंडरफुल टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके और उस पर बात कर सकते हैं। और अभी मुदस्सर का मैसेज आया मेरे पास दैट ही इज सेइंग दैट वी वुड डेफिनेटली गो फॉर द सेशन 2, एपिसोड 2 की तरफ जाएंगे इसके, बट लेट्स सी, वो डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बाद आपसे कि कब हो सकता है। अच्छा, अगर किसी का आंसर, किसी का क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो उसके लिए माजरत, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे देखिएगा। अच्छा, कुछ मैंने क्वेश्चंस जान के स्किप किए, द रीजन इज कि वो इररिलेवेंट था, आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। आप हमारा प्रोग्राम रोजाना देखिए, आपको आइडिया होगा कि स्पेसिफिक टॉपिक वाइज हम लोग रोजाना आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास फरीदुल हसन अंसारी का कि किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। फरीद, आपने लेट ज्वाइन किया हमें, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे भी आपका क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो ये इसकी सजेशंस सारी चीजों की जो डिटेल्स थी वो आगा दे चुके हैं, इसको जो सेव हो जाएगा वीडियो आपकी जो है हमारे क्या कहते हैं ग्रुप में, उसको आप शुरू से देख लीजिएगा एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू आगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको मैसेज देना चाहिए तो आप दे सकते हैं। थैंक यू, मेरा मैसेज यही है कि जब मैं यहाँ पे इनवाइट किया गया था तो आई थॉट कि यार शायद मैं आधा घंटा भी ना बोल पाऊँ, बट जो चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो दैट गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज, यू नो। तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और द मेन पॉइंट जो आजकल पेंडेमिक चल रहा है मुझे उस पर बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इसको कवर नहीं किया। जो चीज़ परमानेंट है हमारे, ये बीमारी हो ना हो जो कि आगे चल के भी रहेगी, मैंने उन चीजों को कवर किया, तो इंशाल्लाह इस पेंडेमिक से तो हम लोग बहुत जल्दी जान छुड़ाएंगे। और 2-3 चीजें मुझे बतानी थी, बट डेफिनेटली वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप लोगों ने ज्वाइन किया और आप लोगों ने सवाल ज्वाइन किया, और पूरी कोशिश की आप लोगों को जवाब देने की, बट इफ यू इन केस इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग यू कैन जस्ट इनबॉक्स मी एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू द सम रेलेवेंट क्वेरीज एंड विद द रिसर्च एज़ वेल। थैंक यू सो मच अयास। Thank you, Agha. See you all, inshallah, tomorrow, same time. 8:30 pe humara kal program hoga with Mariam Bashir. Stay tuned. Take care, guys. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.